दोस्तों मैं आज आकर एक्वेरियम फिश शॉप में जो बोरवली में लोकेटेड है और आज मैं इनके पास आया हूँ न्यू एक्वेरियम फिश का स्टॉक है वो कवर करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सिकलेट फिश की वेराइटीज मॉन्स्टर एक्जॉटिक फिश हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सर हम लोग शुरू करते हैं पूरा स्टॉक है वो कवर करने के लिए। तो सर हम लोग कहाँ से शुरुआत करें? इधर ये इधर से लो फिलामेंटस बाग है, लेमन सिन बाग है। यस, क्या इनका अभी करंट साइज है? ये जनरली आपके 2 इंचेस के हैं और इसमें फिलामेंटस और आपके लेमन सिन बाग है। यस, इसका रेट है आपका 300 रुपीज़ का है। और ये सर ऑस्कर? ये ऑस्कर्स है, रेड फायर ऑस्कर्स है और कॉपर रेड ऑस्कर्स है। ये इसमें एक्चुअली 2 साइज मिक्स है, तो बड़े बड़े जो ऑस्कर्स है उसका कॉस्ट आपका 1200 रुपीज़ का है। यस, और जो स्मॉल साइज में हो? स्मॉल साइज 1000 रुपीज़ का है। ये आपकी आर्चर फिश है और इसका कॉस्ट है 1200 रुपीज़ का है। और एक अरवाना अभी खत्म होने आया, एक ही पीस बचा हुआ है। यस, इसका कॉस्ट आपका 1500 रुपीज़ पीस। कौन सा है वो अरवाना? सिल्वर अरवाना। और ये सर फ्लैगटेल? ये और फ्लैगटेल जो है आपका 3000 रुपीज़ पीस है, छोटा पीस है, तो 3000 रुपीज़ पीस है। एक रेड पैरेट है, रेड पैरेट का रेट है आपका रेड वाले 800 रुपये जोड़ी और येलो वाले 900 रुपये का है। क्या साइज है इनका? ये आपके 2.5 इंच के सर। ये डिस्कस है आपके? यस, इसमें आपके वाइट फेस मेलन्स है। हाँ हाँ, बाद में इसमें आपके चिकर बोर्ड्स है। हाँ हाँ, और इसका रेट आपका 3000 रुपये का है। ये जियो फिगर्स है। हाँ हाँ, जियो फिगर्स उसमें 3 वराइटी मिक्स है, उसमें रेड टबोजाज है, वाइन मिलरीज है और आपके असुलमानसिस है। yes. उसका रेट आपका 1200 रुपीज़ का है। इनका सर बड़ा साइज है, क्या साइज है इनका? ये ऑलमोस्ट आपके 3 इंचेस है। अच्छा, 3 इंचेस का है क्या? और यहाँ पे सर ये शिवराम्स है। हाँ हाँ, एक 4 इंच प्लस है। यस, और इसका रेट है आपका 1500 रुपीज़ का है। अच्छा, और पीछे आप देख रहे हो कि टॉकिंग कैटफिश है। यस, इसका कॉस्ट है आपका 3000 रुपीज़ का है। और ये सर? और डेक्टोइड है, इंडियन टाइगर। हाँ, ये आपका एक पीस है 2500 रुपये पीस है। क्या साइज रहेगा इसका? ये ऑलमोस्ट आपके एक 3 इंचेस के आसपास है। ये सर यहाँ पे कौन सी फिश है? इसमें आपके सब स्नेकर्स वैरायटी के सब मिक्स है इसमें। हाँ हाँ, इसमें आपके बिचेज भी है। यस, और स्नेकर्स भी है। उसका रेट है आपका एक 700 रुपये पीस। जो बीचेस का भी सेम रेट है और स्नेकेड का जो है आपका वो एक 1200 रुपीज़ का पीस है। और जो जितने स्नेकेड जितने भी है इसमें, हाँ हाँ, उसका कॉस्ट है आपका एक 700 रुपीज़ का पीस। सारे लगते हैं अंदर ही है ना? अंदर छुपे हुए रहते हो इसमें, आप देख सकते हो इसमें। यस, बीचेस काफ़ी बड़े हैं। बीचेस काफ़ी बड़े हैं, बीचेस 1200 रुपीज़ का पीस है। और सर यहाँ पे आपके नियोन आकाराज है, इलेक्ट्रिक ब्लू आकार है। यस, इसका आपका कॉस्ट है 300 रुपीज़ का पैर। बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के फिश है, पिकॉक बास वगैरह। तो सर हम लोग पहले अल्बिनो हेकली से स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है सर साइज और प्राइस है? अल्बिनो हेकली जो है आपके है वो 3 इंचेस प्लस है, ऑलमोस्ट 3.5 इंच के रहेंगे। यस, इसका कॉस्ट है आपका एक 6500 रुपीज़ का पैर। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मतलब कलर भी काफ़ी है ना। जनरली अल्बिनो हेकलीज है तो जनरली ये लोग 3 इंच के आसपास ही कलर दिखाते हैं, छोटे में तो कलर मालूम नहीं पड़ता है। जैसे बड़े होते जाएंगे उसका कलर इन्हेंस हो जाएगा। ब्यूटीफुल वैरायटी है, अपने जियो फिगर्स में मेरा फेवरेट वैरायटी है एक्चुअली। और साथ में आप देख सकते हो कि बाकी वैरायटीज भी है। ये फ्लैगटेल? फ्लैगटेल है, रेड फ्लैगटेल। हाँ हाँ, ये आपका 8000 रुपीज़ का पैर है। वो भी काफ़ी बढ़ेगा, 4 इंचेस है। अच्छा अच्छा, और आपके अटापुर रेड पाइक्स है। हाँ हाँ, अटापुर रेड पाइक्स है, उसका कॉस्ट है आपका 12500 रुपीज़ का पीस। यस, क्या साइज रहेगा उसका? ये आपके ऑलमोस्ट 6 इंचेस है। अच्छा, 6 इंचेस, 6 इंच से भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, 8 इंच के है, 7 से 8 इंच के। और सर ये डॉलर? ये रेडुक डॉलर्स है। रेडुक डॉलर्स इसका पैर है 3000 रुपीज़ का पैर। अच्छा, और ये बैंडेड? बैंडेड का भी सेम ही रेट है, 3000 रुपीज़ का पैर। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स रहते हैं, मतलब अभी डॉलर है एक ऐसे इम्पोर्टेड डॉलर है, तो इनको बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि नॉर्मली डॉलर है। तो अगर सेम इसमें अगर आप नॉर्मल डॉलर है उसका क्या कॉस्टिंग रहेगा? मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तक है सेम साइज में उससे बराबर। हाँ, ये डॉलर आपका सादा डॉलर है। हाँ, इसका पैर है आपका 600 रुपीज़ का पैर। हाँ वही। हाँ, तो इसमें काफ़ी फ़र्क है रेडुक्स में। रेडुक्स? हाँ, रेडुक का अभी ये रेडुक्स है, इसमें बैंडेड है, देखो इनका जो ब्यूटी ही अलग है। ओके, और ये आपका सादा डॉलर जो है उसका शेप और आप देखोगे बराबर है,
कुछ अलग ही रहता है। तो ये 600 रुपीज का पेयर है, ये साइज जो आपका ऑलमोस्ट सेम है। और ये कौन से डॉलर है सर बड़े? ये भी आपके ब्रांडेड डॉलर है, रेडोक में आते हो अभी। ये साइज में बड़े है ना, क्या इसका साइज है? ये आपके ऑलमोस्ट एक 4 इंच 4.25 इंच के, और इसका कॉस्ट है आपका 5000 रुपीज का पेयर। अच्छा, और ये सर पिकॉक पास? ये पिकॉक पास आपके 3000 रुपीज पेयर के है। और ये भी सर? ये भी ब्रांडेड लैप्रोनस है, ये सिंगल पीस ही है, इसका रेट है 8000 रुपीज का पीस। पिकॉक पास सर ये मोनोकुलस है ना सारे? हाँ, मोनोकुलस भी है, उसमें कैलबेरीज भी मिक्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैलबेरी का भी सेम रेट है क्या? सेम सेम रेट है। और ये सर वही शिवराम है, ये शिवराम एक 1500 का पीस है। और ये जियोफेगस? जियोफेगस का पैर है आपका 3500 का पैर। अच्छा, बड़े जियोफेगस है, एक और देख सकते हो। सिकलेट फिश की वेराइटीज है, अलग अलग वेराइटीज के सिकलेट है, प्लस लैकोरोनिस है वहाँ पे और पीछे है वो। सर बाला शार्क, सिल्वर शार्क क्या रेट है? सिल्वर शार्क जो था अभी एक ही पीस बचा है एक्चुअली, तो उसका थोड़ा आँख खराब है। हाँ, तो वो जो भी कस्टमर बोलेगा 500 रुपये तो 500 दे दूंगा मैं, ठीक है। और इससे बड़े यूजुअली क्या इसका प्राइस आता है? मेरे पास इससे थोड़े बड़े थे वो, मैंने कुछ 3500 रुपये से बेचे है। अच्छा अच्छा, तो सर एक वेराइटी यहाँ पे मैं कवर करना रह गया, ये पीकॉक पास? ये पीकॉक पास है, कैलबेरीज है, और इसका कॉस्ट है आपका 2500 रुपये। अच्छा, स्मॉल है ना उससे? स्मॉल है, स्मॉल है। ये आपके स्टिंग्रेज है इसमें, और रेड हुक डॉलर्स है जो हम लोग बोलते हैं ब्लैक बेरी डॉलर्स। यस, तो मेरा डॉलर्स में मेरे सबसे फेवरेट वैराइटीज है ब्लैक बेरी डॉलर्स, और इसका कॉस्ट है आपका 8000 रुपीज अप है। उसका जो साइज है वो आपका 3.5 इंच का साइज है। अच्छा, और जो एसियाटिक्स है इसमें, ऐसे देख सकते हो आप, बराबर है। तो एसियाटिक का रेट है आपका 1800 रुपीज अप है, और आपके स्टिंग्रेज जो बड़े वाले स्टिंग्रेज है उसका रेट है 25000 रुपीज अप है। और एक सिंगल बचा है अभी, एक सिंगल सिंगल, उसका कॉस्ट है आपका 7500 का पीस। ये रॉयल नाइल्स है। यस यस, और ये रॉयल आप देख सकते हो आप, एक ऑलमोस्ट 10 इंच के रॉयल नाइल्स है। बराबर, इसका कॉस्ट है आपका 9000 रुपीज का पैर। दोस्तों हम लोग जायंट फिश कवर कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जायंट, ये लगभग 1 फीट से भी बड़े है। तो हम लोग पूरा यहाँ पे 5 से 6 वेराइटीज के फिश है, तो हम लोग अभी कवर करेंगे। तो सर हम लोग फर्स्ट है अरवाना से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बड़े अरवाना है, लार्ज साइज में अरवाना, तो इनके बारे में बताइए सर। ये आपके RTG है ये जो है, और ये आपका R2 है। अच्छा, जो बंजर रेड बोलते हैं, ओके। यस, तो इसका अभी जनरली मैंने कॉस्ट रखा 45000, ये ऑलमोस्ट 1.5 फुट के आसपास है। अच्छा, और वो ये जो पीस है ये पीस का कॉस्ट है आपका 25000 रुपीज का पीस। Yes. और आप एक गार देख सकते हो, ये जो गार है अभी ऑलमोस्ट 2 फुट का है। हाँ, काफी बड़ा है, मतलब अगर 1.5 फीट का अरवाना है उससे भी लेंथ में काफी बड़ा है। और 2 फुट का है गार, उसका कॉस्ट है आपका 90000 रुपीज का पीस। अच्छा, 90। हाँ, और बड़े बड़े स्टिंगरेज है, स्टिंगरेज भी आप देख सकते हो, मिनिमम 18 इंचेस प्लस है। यस यस, और उसका कॉस्ट भी है आपका 90000 रुपीज का पैर। उसमें आपके एक्चुअली हाइब्रिड स्टिंगरेज है और ब्लैक डायमंड क्रॉस है, हाइब्रिड ब्लैक डायमंड हाइब्रिड। तो उसमें ब्लैक डायमंड जो है आपका वो 50000 रुपीज का पीस है, और बाकी जो हाइब्रिड है आपका ओके, उसका कॉस्ट है आपका 40000 रुपीज पीस। तो दोस्तों आपको ऐसे रेयरली कोई स्टिंगरे इतने बड़े साइज में देखने के लिए मिलते हैं, और प्लेटिनम गार भी आप देख सकते हैं, रेयरली कहाँ पर हमको इतना बड़े साइज में देखने के लिए मिलता है। अगर आपके पास लार्ज टैंक है, लार्ज साइज में टैंक है, तो आप इनके लिए आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे हेल्दी सेट फिश है। अभी यहाँ पे मैं और एक जायंट वैरायटी कवर कर रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, ये देखो कितनी बड़ी जायंट वैरायटी है। ये मेरा हाथ है, तो उसे भी आप देख सकते हो, इससे अंदाज आपको आ जाएगा कि कितने बड़े है, अल्बाइनो पाकू है। सर क्या साइज है इनका? ये ऑलमोस्ट एक 13 से 15 इंच के बीच में है। यस, और इसका एक पैर है। यस, इसका कॉस्ट है आपका 8000 रुपीज का पैर। और यहाँ पे सर ये आपके ऑस्कर्स है। हाँ, ऑस्कर्स भी आपके ऑलमोस्ट एक 10 से 12 इंच के बीच में है। यस, उसका कॉस्ट है 3500 रुपये का पैर। और एक आप देख सकते हो किंग कॉन्ग पैरेट, एक सिंगल बचा है अभी, उसका कॉस्ट है 6000 रुपये पीस। और एक बड़ा सा शिवराम है। यस, शिवराम का रेट है आपका 2500 रुपये पीस। और जो ये पैरेट्स है, ये पैरेट का कॉस्ट है आपका 2500 रुपये का पैर। और ये सर गोल्ड फिश, ये आप देख सकते हो कि जनरली
आकार में कभी आपको इंडियन गोल्फिश में देखने मिलता नहीं है, लेकिन एक एक्चुअली ये जो ब्रीड है ये लोकल ब्रीड है, इसलिए काफ़ी जन मांग रहे थे तो मैं एक्चुअली इसको लाया था। लेकिन क्या होता है कि आपका जो गोल्फिश आता है कलकत्ता मद्रास से, उसमें लाइस और एंकरवॉर्म रहते हैं, फिर दुकान में फैल जाते हैं। जनरली मैं प्रीफर नहीं करता हूँ उसको, जो कुर्ला से माल मैगजीम आता है लाइस और एंकरवॉर्म रहते हैं, उसको ट्रीट करना पड़ता है ब्रीड है। तो इसका आप कलर शेप देख सकते हो और काफ़ी अच्छा, रेट भी काफ़ी अच्छा और हेल्दी पीस है, आप देख सकते हो। मतलब ब्रीड एक्चुअली दे आर चेजिंग, बराबर है। तो एक्चुअली ये लोग का मेटिंग टाइम है, ओके। तो अभी ब्रीड होएंगे, जो लोग जो मूवमेंट दिख रहा है इसमें अभी आप आस्ते आस्ते देखो पूरे एग्स ले भी करेंगे, देखो एग्स खा रहे हो, आप देखो एग्स ले कर रहे, देखो ये एग्स है, ओके। वो आपको मालूम है कि इसको नीचे नायलॉन डालना पड़ता है, बराबर। नायलॉन डालेंगे तो एग्स वो खा नहीं पाते, आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अभी मेटिंग चालू है तो एग्स रिलीज कर रहे हैं लोग, बराबर। तो एग्स जो है तो एग्स बाकी जो लोग खुद खाते हैं, हाँ। तो आप देख सकते हो प्रॉपर, आप देंगे देखेंगे तो देखो बॉटम में देखो जो एग्स पड़ा है, हाँ। वो एग्स लोग खा रहे हैं, इसको चेज कर रहे हैं। ऐसा ही होता है कि मेल क्या करता है, फीमेल को चेज करता है और वो एग्स एक्चुअली वो लोग ले करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नीचे नायलॉन डालना पड़ता है, बराबर। जिससे वो खाए नहीं करते, इसके लिए पानी भी फॉगी हो रहा है, ओके। जनरली लोग स्पर्म छोड़ते हैं ना इस पे, तो इस हिसाब से वो चेजिंग कर रहे हैं, तो एक्चुअली अभी ब्रीडिंग चालू है। गोल्डफिश का पेयर है आपका 150 रुपए का है, और कोई ब्रीड करना चाहता तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्टॉक है, यस, और हेल्दी स्टॉक है, आप देख सकते हो। वो देखो जो चेज कर रहा है वो मेल है, जो पीछे जो चेज कर रहा है फीमेल, वो फीमेल है, वो मेल है। ऐसे इधर भी देखो, ये इधर भी जो है ना, ये जब चेज कर रहे हैं वो सब मेल थे। वो लोग बेसिकली क्या करते हैं जनरली कि फीमेल को फॉलो करते हैं, और जो अंडे ये जो नीचे जो अंडे गिरे हुए हैं वो खुद खा रहे हैं, यस, ओके। तो ये थोड़ा सा आकार में आ जाए, देखो मेल फीमेल्स अवेलेबल है। तो आप अगर गोल्डफिश का ब्रीड करना चाहते हो तो अभी ये मेटिंग टाइम है इनका, तो इस सीज़न में ब्रीडिंग भी होता है, एक बार आप देख लीजिए आकार में, सारे फिश है, काफ़ी सेट है। अभी मैं यहाँ पे सिकलेट कवर कर रहा हूँ, सर कौन सी सिकलेट है? सिकलेट आपके ऑफिशियल सिकलेट से, और अभी ये ऑलमोस्ट स्टॉक खत्म होने आया है, यस। तो एक्चुअली इसका रेट है 200 रुपये, अच्छा। ये आपके कलर विडोज है, हाँ हाँ, ये मीडियम साइज के है, इसका कॉस्ट है आपका 80 रुपये का है। और सर काबू तो कोई जो है, तो इसका रेट है आपका 125 रुपये का है, और जो जापानीज कोई है वाइट हो रहा है उसका आपका रेट है 1500 रुपये का है। इसमें सब चिकन वैरायटी मिक्स है, क्योंकि आप ग्रेट शुरामज है, तो एक अपने के आपके 2.5 इंच के है, उसका रेट है आपका एक 500 रुपये का है। वेजिया चिकलेट्स है, उसका रेट है आपका 1800 रुपये का है। और इसमें ज्वेल चिकन काफ़ी ज्वेल थे, अभी खत्म हो गया है, ज्वेल का रेट आपका 400 रुपये का है। इलेक्ट्रिक ब्लू जैगनेमसिस है, वो इलेक्ट्रिक जैगनेमसिस जो है वो आपका 1800 रुपये का है। और ये आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट आपके एक 4 to 5 इंच के बीच में है, इसका कॉस्ट आपका 6000 रुपये का है। एक कॉरीज है, ये वाइल्ड कॉरीज है, ये वाइल्ड कॉरीज का रेट है आपका 8000 रुपये का है, CW27। और इसमें आपके इलेक्ट्रिक ब्लू रामारोज बलून रैम्स, उसका रेट आपका 900 रुपये का है। बाकी जो गोल्डन रैम वगैरह है आपका 800 रुपये का है। ये आपके जायंट ओरेंडा का एक पेयर है, ये इम्पोर्ट स्टॉक है एक्चुअली, जो बोलते हैं ना फैंटेल ओरेंडा बोलते हैं, इसका कॉस्ट आपका 10000 रुपये का है। और बाकी जो ओरेंडाज है आपके लोकल ओरेंडाज है, उसका कॉस्ट आपका 250 रुपये का है। लोकल गोल्ड है 250 रुपये का है। ये जो ओरेंड एक पेयर जो है इसका कॉस्ट है आपका 6000 रुपये का है। और बाकी जो है रुकीज है उसमें, रुकीज का आपका रेट है 3000 रुपये का है, वो इम्पोर्ट स्टॉक है, अच्छा 3000 का, यस। और ये सर एक गार है आपका, ये ऑलमोस्ट 1 फुट के आसपास गार है, यस। इसका कॉस्ट है आपका 3500 का पीस। इसमें आपके पैरेट्स हैं, जो कि आपके येलो हार्ट शेप है, रेड हार्ट शेप पैरेट्स है, और बड़े साइज के हैं, ऑलमोस्ट 3 इंच के आसपास है, इसका कॉस्ट है आपको 1200 रुपये का है। इसमें आपके आपके अपोलो शार्क्स है, उसका कॉस्ट है आपका 300 रुपये पैर। और इसमें आपके रिंग कैटफिश है, यस, और रिंग कैटफिश के पैर है आपका 300 रुपये पैर। ये आपके एलिगेटर गार्ज है, इसमें शॉयल नोज है, तो एलिगेटर गार्ज जो है ये आपके ऑलमोस्ट एक 4 इंच प्लस है, 4-5 इंच तो आराम से रहेंगे, अच्छा। तो इसका कॉस्ट है आपका एक 900 रुपये पीस। और ये अरवाना, और ये अरवाना जो है आपका पल अरवाना है, यस, इसका कॉस्ट है आपका एक 5800 रुपये पीस। और शॉयल नोज जो है उसका कॉस्ट है एक 1000 रुपये का पैर। ब्लैक गोस्ट का रेट है एक 1000 रुपये का पैर। क्या साइज है इसका? ये 4 इंच पे, 4 इंच 4 इंचेस। ये आपके फ्रंटोसर है,
फ्रंटोसा ऑलमोस्ट 2 इंचेस है, उसका कॉस्ट है आपका 1250 पैर। ये शॉर्ट बॉडी फ्लोरॉन्स है, इसका कॉस्ट है 600 पीस। ये फ्लोरॉन्स है, ये फ्लोरॉन का रेट है आपका 2500 पीस, और ये जो है ये सब 900 पीस वाले है। अच्छा, इनका क्या साइज है सर? ये आपके 4 इंचेस वाले है, और ये जो है ये आपके 2.5 इंचेस प्लस 3 इंचेस के बीच में है, और ये इधर जो है छोटे छोटे आपके 2 इंचेस के, इसका रेट एक आपका 500 पीस। लेकिन सबको हम पे आप देख सकते हो, सबको हम पे, सब इम्पोर्ट स्टॉक से ही है। ये आपके अल्बिनो हेकलीज है छोटे साइज में, 2 इंचेस है, इसका रेट है आपका 1500 पे। और बाद में जो ये है हेकलीज है, वो हेकलीज का भी हेकलीज का जो साइज है वो आपके 2.5 इंच के प्लस है, उसका रेट है आपका 1000 पे। पोलर पैरेट से पोलर पैरेट का रेट है आपका 400 पे। और ये सर ये मोनो है, मोनो एंजल से, इसका रेट आपका 350 पे। ये आपकी मोनो सिबे है जो इम्पोर्ट मोनो एंजल बोलते हैं, इसका रेट आप 450 पे। आजम सर, हेलो सर। तो जायंट में काफ़ी अच्छा वेराइटी है, सिगरेट में भी काफ़ी अच्छी वेराइटीज है, अच्छा खासा स्टॉक है आज मुझे कवर करने के लिए मिला। थैंक यू सर। और अलग अलग वेराइटीज के फिश है, ऐसे नहीं कि एक ही वेराइटीज है उसके ही आपको उसके ही सब वेराइटी है, तो अलग अलग वेराइटीज के एक्वेरियम फिश भी अपने रखे हैं, तो काफ़ी अच्छे चॉइसेस है आपके पास अगर कोई एक्जोटिक मॉन्स्टर फिश बाय करने के लिए आ रहा है। मॉन्स्टर फिश और आप देखोगे ना मेरे पास का, तो एकदम हेल्दी फिश है। ओके, यस। इसको मैं जनरली लाइव फ्रिंग फिश को भी डालता नहीं हूँ। हाँ हाँ, एक तो मेरा जाता है प्रॉन्स, अदरवाइज फ्रोजन ब्लड में जाता है। हाँ हाँ, लाइव ब्लड भी डालता नहीं हूँ, ना ही लाइव फिश डालता हूँ। तो क्यों मालूम है? लाइव फिश से ऑलरेडी इन्फेक्शन आता है। हाँ, तो ये सब पूरा ड्राई इस पर है और वेल मेंटेन फिश है। यानी अगर मैं बोलूँगा कि अगर समझो आपका कोई भी फिश लेना है, तो मैं बोलूँगा आने के बाद में 8 दिन के बाद लेके जाओ, मैं उसको पर्सनली पहले सेट करूंगा, उसके बाद में आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि आज लाए आज दिया, तो उसमें फुल 100% रहता है। तो आप कभी भी फिश देखो पहले कि ड्राई खा रहा है, तो बाद में परचेस करो, अदरवाइज उसमें कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि ऑर्डर से तो बहुत जन काम करते हैं, तो आप रेट भी बहुत जन बोलते कम है करके। तो देखो एजेंट जो रहेगा उसको इधर से ऑस्कर उठाया मेरे सेवा वाले, अगर समझो कोई होलसेलर आया तो उसमें कम में दे रहा हूँ मैं, तो अगर मैं 1200 बेचता हूँ तो आराम से बेचेगा सस्ते में, तो उसमें मीनिंग नहीं है। क्योंकि मेरे को इसका कंडीशन मेरे को मालूम है, मैं बेच रहा हूँ तो मेरा कभी आया है कभी नहीं है। तो जल्दी काफ़ी जन एजेंट्स भी है, तो हम लोग एक्चुअली वैसा काम नहीं करते। मेन थिंग इज कंडीशन का पैसा है कि ये मेरे टैंक आप देखोगे तो वेल मेंटेन टैंक है, इसका फीडिंग भी आप देखोगे तो क्वालिटी फीडिंग है। ये 3500 किलो का फिशेज का फीडिंग है मेरा, और बाद में ब्लड वॉर्म जो है मैं वी एक्वेरियम का ब्लड वॉर्म का डालता हूँ। ओके, और बाद में जितना भी प्रॉन्स हम लोग एक्चुअली डीप फ्रीज करते हैं और बाद में वो प्रॉन्स डालते हैं, तो आपका जो कॉस्ट है बहुत ऑब्वियस कॉस्ट ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि उसका मेंटेनेंस भी उतना है। ऐसा नहीं है कि मैंने फिश लाया और बेचा, 8 दिन के बाद फिश बिकता है, वो हेल्दी स्टॉक है। मैं क्वालिटी बिलीव करता हूँ, तो आपको पैसा देना ही है। अगर आप बहुत जन बोलेंगे तो बहुत महंगा है, लेकिन मेरे पास भाई महंगा जाता है, थोड़ा बिक रहा है बराबर है, क्योंकि वो हेल्दी है। तो अगर सस्ता आपको मांगता है तो मैं भी कर सकता हूँ, आप ऑर्डर दो, मैं आपको जो कॉस्ट बेच रहा हूँ उससे भी आप 40% लेस दूंगा, लेकिन लेस आपका रहेगा। ओके, ऑर्डर दो, पार्सल दे दूंगा आपको, सेम डे आएगा वैसे ही, बराबर है। आपका 40% जो मेरा रेट है उसका रेट कम रहेगा। ओके, अगर आपको ऑर्डर देना चाहोगे तो ऑर्डर दे दो, 40% का आपको डिप्रिशन मिलेगा, लेकिन मैं कोरोना करके नहीं दूंगा, 40% ऑफ जो मेरा रेट है उसके ऊपर, लेकिन प्री ऑर्डर रहेगा, माल आएगा वैसे भेजूंगा। तो मैं आपको अभी बोलता हूँ आज के तारीख में मार्केट में काफ़ी शॉप्स हो गए, लेकिन पब्लिक आप मैं तो बोलूँगा कि आप मैं बोलूँगा कि अगर आप बाहर के अगर ऑर्डर दे रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप ऑर्डर पे काम मत करो सर जी, क्यों मालूम है? फिश आने के बाद में ना उसको ना एक्चुअली वो क्या होता है कि ट्रांजिट में थक जाता है। ऐसा भी हो सकता है उसको इन्फेक्शन आ जाएगा ट्रांजिट में, तो ट्रांजिट में वो आने के बाद में वो स्ट्रेस में रहता है, वो स्ट्रेस में इसका मेन फिश का स्ट्रेस है। आदमी को जैसा स्ट्रेस है तो फिश को उसका 10 टाइम स्ट्रेस आता है। ओके, तो कभी कभी स्ट्रेस में आने के बाद में वो फिश वो स्ट्रेस में होता ही नहीं है, तो उधर ही स्ट्रेस में जैसा हम लोग जो फिश जैसा हम लोग जैसे कोमा में जाते हैं वैसा वो उधर ही मर जाता है। तो वो जो मॉर्टलिटी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा फिश महंगा क्यों है, क्योंकि मैं फिश आने के बाद में थर्ड डे एक्चुअली मालूम पड़ता है कि इसमें इन्फेक्शन है या नहीं है। तो मैं अगर आते ही अगर आपको मैं दे दूंगा तो समझो मैंने उसके ऊपर पैसा कमाया जो भी 5-10%, बराबर है, तो मेरे को तो प्रॉफिट है लेकिन आपको लॉस है। तो क्यों कि वो फिश आपके जाके मरेगा तो उसका कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, बराबर है। तो थर्ड डे फिश आएगा तो एक्चुअली फर्स्ट आएगा फर्स्ट डे तो एक्चुअली 3 दिन में क्वारंटाइन में जाता है, थर्ड डे उसका सिम्टम मालूम पड़ता है। जैसे कि कोरोना में पब्लिक बाहर से आ रहा था जो टाइम पे उसका टेस्टिंग में तो कोरोना दिख नहीं रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि उसके बाद में आफ्टर 3-4 डेज वो टेस्ट में आ रहा था अरे इसका कोरोना है करके। तो वैसा ही फिश का है जनरली। तो क्या होता है कि फिश आने के बाद में ट्रांजिट में
या उसको इन्फेक्शन आ सकता है या वो स्ट्रेस में जाता है, तो एक्चुअली उसको स्ट्रेस फ्री होने के लिए 3 दिन लगता है। और अगर इन्फेक्शन भी रहेगा तो वो टाइम पर दिखता नहीं है, थर्ड डे आस्ते आस्ते एग्जैक्टली थर्ड डे यानी बराबर 3 दिन कंट्रोल के बाद में उसका सिम्टम दिखता है कि उसको इन्फेक्शन है, तो तभी फिर हम लोग उसको वापस ट्रीट करते हैं। फिर उसका क्वारंटाइन टाइम रहेगा 8 डेज, मतलब थर्ड डे वो क्लियर है तो फोर्थ डे हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं सेलिंग के लिए। तो सर उसका ही पैसा है, ऐसा अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत सेलर्स है और मैं भी सस्ता बेच सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है सस्ता बेचना, लेकिन कंडीशन रहेगा आपका मतलब क्या है। ओके, और आप बोलेंगे बहुत महंगा है तो भाई मेरे पास कस्टमर है, सस्ता ही बेचना है तो मैं भी बेच सकता हूँ। बोला मेरा जो रेट है 40% ऑफ, ऑर्डर दे दो आएगा वैसे पार्सल डाल दूंगा आपके पास, बराबर है, आपका ओन रिस्क पे सेट करो उसको, क्लियर है, ये ऑफर है। ओके।